गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। और आइए, अभी मैं हूँ ठंडी सड़क स्थित पोर्ट स्टैंड की तरफ। और देखें तो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का बहुत ही एक सुंदर दृश्य है। और आज के दिन देखें तो सुबह सुबह जब मैं उठा था तो हल्की सी बारिश थी नैनीताल में, मगर अभी दिन के समय देखें तो लेक किनारे एकदम ठंडी हवाएं और एकदम अच्छा सा यहाँ पे वेदर हो गया है। और देखें तो आज मंगलवार, माफ़ कीजिएगा, आज मंडे का दिन है, तो आज सोमवार का दिन है और दिन है भगवान श्री भोलेनाथ जी का। तो आइए, मैं सर्वप्रथम आपको मंदिर में स्थित जो कि शिवलिंग है और यहीं से मैं आपको जूम करके शिवलिंग के दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। तो आप ऐसी रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देखें तो सामने ही है भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थित है यहाँ पे। और ये मंदिर है नैनी झील किनारे, श्री माँ नैना देवी जी का मंदिर है और ये भारत में 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और आज देखें सोमवार का दिन है और भगवान श्री भोलेनाथ जी के मंदिर में जो कि सामने ही शिवलिंग स्थित है और यहाँ काफ़ी भक्त श्रद्धालुओं की आज भीड़ नज़र आ रही है और काफ़ी लोग मंदिर में उपस्थित हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और सामने ही यहाँ पे सेंटर में आप जो देख पा रहे हैं ये यहाँ विराजती हैं श्री माँ नैना देवी जी। ये देखें तो ये सुंदर सा मंदिर और नैनी झील किनारे स्थित है। और अभी वेदर की बात करें तो बहुत ही एकदम सनी वेदर है इस समय में और हवाएं काफ़ी हैं जो कि यॉट बोट के लिए एकदम बेस्ट टाइम है यॉट बोट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और इस सामने देखें यहाँ से तो यहाँ पे है मलिताल बोट हाउस क्लब और देखें तो एक यॉट बोट मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज लग रही है, तो इसका मतलब आज यॉट बोट चलेंगी नैनी लेक में अगर कोई कस्टमर आया तो। ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसका जो कि प्राइस इन कॉस्ट है, मैं इस बोट की बात कर रहा हूँ सामने, इसका 500 रुपीज़ अराउंड लास्ट टाइम जब मैं क्रॉस चेक किया था पिछले प्रीवियस मंथ में, तो 500 रुपीज़ पर लेक राउंड है जिसमें कि एक लेक राउंड लेकर के आप लोगों को वापस इसी जगह पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखें तो आप इससे बोट हाउस क्लब से इसका फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने देखें तो ये है मॉल रोड, नैनीताल मॉल रोड, और इधर की तरफ देखें तो पूरा ही मॉल रोड का ये सारा एरिया है। और नैनी झील में देखें अभी के समय काफ़ी जो कि नौकायन नज़र आ रहा है और सुबह सुबह देखें तो लोग काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं बोटिंग्स का। और ये देखें मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें तो बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए व्यूवर्स, और ठंडी सड़क में हैं अभी और यहाँ से देखें तो नैनी झील का बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और यहाँ से देखें तो काफ़ी यहाँ पर आज पर्यटक सैलानी जो कि नौकायन कर रहे हैं नैनी झील में। और ठंडी सड़क नैनीताल में देखें तो प्रकृति के अपने ही अनोखे रंग हैं। और ये देखें जो ये पेड़ हैं, अभी कुछ महीने पहले ये पेड़ एकदम कभी ब्राउन कभी गोल्डन रेड में इसके कलर्स थे और आज के दिन देखें तो एकदम लश ग्रीन नेचर है। तो ये देखें ठंडी सड़क, और ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है जो कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक एंड एनी टाइम आप डे में यहाँ पर वॉक करने आ सकते हैं। और यहाँ की स्पेशलिटी यही है, और यहाँ पे क्योंकि वाहनों की आवाजाही नहीं है और यहाँ पे व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है इस रोड में, तो जस्ट वॉक के लिए ही ये रोड है। और इस रोड में काफ़ी सारे मंदिर हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे देखें तो बोट्समैन जो कि अपनी बोट की रिपेयरिंग कर रहे हैं लेक साइड में, तो कुछ ऐसा है। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और यहाँ ठंडी सड़क से देखा जाए तो कुछ पर्यटक सैलानी जो कि है नैनी झील में अभी इस गुनगुनी सी धूप में देखें तो पैडल बोट का आनंद उठा रहे हैं, तो कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू। और सामने ही अगेंस्ट में यहाँ की मॉल रोड स्थित है, तो ये आप देख सकते हैं। ठंडी सड़क में है अभी और प्रथम मंदिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। और यहाँ पे देखें तो ठंडी सड़क में जो कि पाइपलाइंस का कार्य है ये भी चल रहा है। और ये देखें ठंडी सड़क द्वितीय मंदिर भगवान श्री गोलूदेव महाराज जी का मंदिर, और उत्तराखंड में न्याय के देवता माने जाने वाले भगवान श्री गोलूदेव महाराज, तो ये उनका मंदिर है ठंडी सड़क में। और यहाँ की तरफ देखें तो ये वार्निंग बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है सावधान, जो कि इसमें वार्निंग है गहरी सीवेज लाइन का कार्य प्रगति पर है। तो ये देखें डीप सीवेज वाटर वर्क इन प्रोग्रेस हेयर। और यहाँ पे देखें तो ग्लास हाउस है ठंडी सड़क में,
ये देखें बहुत ही सुंदर यहाँ का नेचर है, और इधर की तरफ तो नैनी झील का बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ये देखें ठंडी सड़क तृतीय मंदिर, भगवान श्री भोलेनाथ जी का ये मंदिर है। तो यहाँ पे शिव जी विराजते हैं, और यहाँ पे देखें तो हनुमान जी भी हैं इस टेंपल में। और ठंडी सड़क में देखें तो सुबह सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे बर्ड्स की काफ़ी ही एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो अभी भी आप नेचर में उनकी प्रेजेंस, जो कि उनकी चिपरिंग है, आप उनको सुन सकते हैं। तो ऐसा है, तो देखें तो अभी तक यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहावना बना है नैनीताल में। और देखें तो पर्यटक सैलानी नौकायन का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और ठंडी सड़क से काफ़ी शानदार व्यू है नैनी झील का। ये देखें तो पर्यटक सैलानी अपना जो कि लेक राउंड पूर्ण करके किनारे की तरफ जा रहे हैं, और इधर की तरफ देखें तो कुछ पर्यटक सैलानी जो कि अपने नौकायन के लिए, लेक राउंड के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा है, तो कल मैं नौकायन के लिए गया था नैनी झील में, और मैं आपको वीडियो टैग कर दूंगा ऊपर आई बटन में। तो बड़ा ही शानदार अनुभव रहता है लेक में। और देखें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं तो हाफ लेक राउंड के लिए गया था, मगर फुल लेक राउंड का जो कि अपना ही अलग मज़ा है। और फुल लेक राउंड में देखा जाए तो आपको यहाँ पे पाषाण देवी माँ के सामने, जो कि हनुमान जी का टेंपल है, और वहाँ के भी आपको राउंड लेकर के आया जाएगा, और वहाँ उसके दर्शन कराए जाएंगे। तो ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही अच्छा एकदम फुल लेक राउंड जो कि लेक का है, वो बहुत ही लाजवाब रहेगा उसका एक्सपीरियंस। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कभी लेके चलूँगा फुल लेक राउंड के लिए। चतुर्थ मंदिर, श्री माँ पाषाण देवी जी का ये मंदिर है ठंडी सड़क में, और यहाँ पे विराजती हैं श्री माँ पाषाण देवी जी। और ये ठंडी सड़क में जो ये प्लेस है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइट में ये प्लेस है, और इसकी जो कि ऊंचाई है अप्रॉक्सीमेटली 55 फीट होगी, जो कि लेक से है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सबसे हाइट में ये प्लेस है, और इसी के पास जो कि लेक झील की गहराई है सबसे ज़्यादा है। और आइए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो कितना हाइट है। ये कैमरे में जस्टिस नहीं हो पाएगा हाइट, मगर फिर भी आप अनुभव लगा सकते हैं अनुमान। और ये देखें तो लगाएं तो ये बोट कुछ इतना नीचे है, और हम इतनी हाइट्स में हैं अभी। और यहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू रहता है बोट्स का। और ये देखें तो कुछ पर्यटक सैलानी जो कि बोटिंग में यहाँ पर ठहरे हैं, और ये देखें कुछ पर्यटक सैलानी यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से नैनी झील का बहुत ही शानदार व्यू है, और देखें तो यहाँ पे हम तो फ्रेंड्स हम यहाँ श्री माँ पाषाण देवी जी के मंदिर के सामने हैं ही, तो क्यों ना मैं आपको माता जी के दर्शन भी करा दूँ। तो देखें तो कुछ ऐसी हैं माता जी, और ये देखें तो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और जो माता जी हैं श्री माँ पाषाण देवी जी, इनकी जो कि फेस है वो ये रॉक जो कि ये चट्टान से उभरा हुआ है, और माता जी काफ़ी सुंदर हैं। और देखें तो इनके श्रृंगार, जब इनकी पूजा अर्चना होती हैं तो सुबह से शाम तक इनके कुछ पहर होते हैं जिनमें माता जी का श्रृंगार किया जाता है। तो ये देखें बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और देखें तो यहाँ पे जो कि पंचम मंदिर है, और ये है भगवान श्री हनुमान जी का, जो कि देखें तो ये माता पाषाण देवी जी की मंदिर की एंट्रेंस है, और यहाँ के जस्ट अपोजिट जो कि नीचे हैं, तो ये देखें यहाँ विराजते हैं भगवान श्री हनुमान जी। और ये देखें तो ऊपर से इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से, जबकि आप देख सकते हैं ऐसे हैं भगवान जी, और इनका नैनी झील से बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। तो इसीलिए मैं आपको फुल लेक राउंड, जो कि बोट में जब आप आएँ तो फुल लेक राउंड में आएँ तो इनके दर्शन बहुत ही आपको सुंदर होंगे नैनी झील से। तो ऐसे हैं कुछ हनुमान जी यहाँ पे। तो आइए व्यूवर्स, और समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए बहुत जल्द मिलूँगा मैं अपने नई वीडियो में, और आप ऐसे देखते रहिए मेरी वीडियोस, और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।